Mm-hmm. अल्लाम वरम्त ला वरक़ मौतन आलिम से मुलाकात खसूसी प्रोग्राम में मैं अब्दुल अब्दुलमदीन उस्मानी और मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा अशे खबीबालमान एक मरूफ आलिम दीन और जानी पहचानी शख्सियत नाज्रेन जैसा कि आप जानते हैं कि मालूम सरतुलबी सल वम के, के खसूसी प्रोग्राम में आज हमारे स्टूडियो में एक सवाल मोहम्मद कलीमु, कलीम कलीमुलद्दीन यस्तानी इंडिया हैदराबाद दन से साल किया है और मैं उनके सवाल को पसंदीदगी से भी देखता हूं कि उन्होंने बहुत ही मुनफरद सवाल किया है वो ये जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु हजूर सल्लम बहसीतीसर या सुसरे या फादर इन ला के आपने आपका उस मुबारक का हमारे सामने क्या क्या नकूश छोड़ा है और दुनिया भर में जितने भी ख़ुसर या फर ला या सुसर जो है उन लोगों को किस तरह से रोल प्ले करना चाहते हैं तो मैं शेख रहमान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो इस अहम अनवान के ऊपर भरपूर अहाता करें मोहम्मद अब्दुल मतीन उस्मानी साहब अल्लाह ताला आपको जजाय खरात फरमाए और सवाल करने वाले इस भाई को भी और ये प्रोग्राम आपका मिसाली बहुत अहम प्रोग्राम है और इसका जितने लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा आप सबको इसका अजर मिलेगा आइए शुरू करते हैं जनाब ये बड़ा अहम मौजू है जिसको जिस सवाल की शक्ल में आपने दिया है मेरे मोहतरम भाई आइए शुरू करते हैं देखिए अल्लाह व तआला ने नबी अक्रम सला वसम की सीरत और आपकी ज़िंदगी तमाम इंसानों के लिए हर ज़माने के लिए तक बेहतरीन नमूना करार दिया फरमाया लकत कान लकुम्फी रसूल उस वहसनतबन कानजुल्लामल आखिर व ज़क्र कथीरा सुरतलब की आयतम इक्कीस के मुबारक कलमात हैं तर्जा ये है कि तुम्हारे लिए नबी अक्रम सबकी ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है हर व के लिए जो अल्लाह से मिलने का उम्मीदवार है और आखरत पे यकीन रखता है यकीनन हम सब इस पे यकीन रखते हैं ये मैदानी अमल ये मैदानी कारजार ग़बा आज़ाब के मौके पे क़ुरान ये कहता है कि यह नमूना है सीरत का यह नमूना है कि दीन की खातर अकामत की खातिर दहशत गर्दी से महफूज रखने अमन वमान कायम करने के लिए मुआरे में सुकून कायम करने के लिए जुल्म से निजात देने इंसानियत के लिए खड़े हो जाना ये बेहतरीन नमूना है जब ये नमूना है तो आम ज़िंदगी भी बेहतरीन नमूना है आप सल्हसम की लिहाजा सुर हशर में अल्लाह ताला ने ये कलमात मौजूद हैं अल्लाह ताला के फरमाए व माँ आता कमो रसूल फ़ुजू व माँ नहा कुुमन हूँ फ़नताऊ यह रसूल साजूँ जो कुछ दें वो ले लिया करो तालीमात दें जो भी दें और जिससे मना करें उससे रुक जाया करो आइए हम चलते हैं अपने मौजू की तरफ देखिए ससर या खसर उर्दू ज़बान में बीवी यानी जवजा के वालद को कहते हैं अंग्रेज़ी में इसके लिए कलमा इस्तेमाल होता है फादर इन लॉ इस मौजू को समझने के लिए अगर मैं आपकी खदमत में एक चीज़ पेश करूँ एक नुकता तो सारा मौजू उसमें से मिटाएगा। और वो ये है फादर इन लॉ इन लॉ हटा दें फादर बाकी रखें अब बात कीजिए अब सुसर कौन हुआ देखिए ये इतना अजीम मुतबरक रिश्ता और ताल्लुक़ है जो अल्लाह के नाम पे अल्लाह के हुक्म से क़ायम हुआ आपको मेरे अज़ीज़ जब हम सुसर की बात कर रहे हैं तो मैं मुखातिब हूँ उस शोहर से जो जिसके घर में उन साहब की बेटी है उन साहब की बेटी अब देखिए उन्होंने अपनी बेटी की परवरिश की पाला पोसा तरबीत दी बड़ा किया और सब कुछ उसने छोड़ दिया उस साहबजादी ने और आपके घर में आ गई और आपको अपना घर बना लिया तो गोया के उन घर वालों ने अपना एक कीमती हीरा और मोती आपको दे दिया अब आप ये बताइए कि आप आपके वालिद आपकी वालदा और आपके जोजा के वालिद और वालदा के क्या मकाम हुआ किसकी ज़्यादा कुर्बानी हुई लेकिन इन रिश्तों में इन रिश्तों की नज़ाक़तों में, में इनकी मोहब्बत और शफकत में ऐसे रोड़े अटकाए जाते हैं रखने डाले जाते हैं ये नफ्स और शैतान और आपस की अनाद और आपस की जलन और हसद में इससे ये बेलमी दीन से बेखबरी सीरत नबी अक्रम सबका शूर न होना उसका फ़ुदान उसके बायज ही पैदा होता है लिहाजा आप इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए कि इसको आप दूर करें ये लोग इतने काबिल एहतराम है, इतने ए, ए, ज़िए ए, ज़िए ए, ज़िए हैं इतने इज्जत हैं कि जितने आपके वालदेन बल्कि बाज़ अवत तो मैं आपसे सही कहूँगा कि सुसर का रिश्ता वालदे से वालद से बढ़ जाता है एक ऐसे मौका आते हैं कई ऐसे मौके आते हैं लिहाजा इसको हम उसी अकदार से बाहर रखें और तल्लुत बहुत अच्छे रखें आइए हम रहमत आलमी वमा सहमत लालमिन की मिसाल से बातें सीखते हैं आइए हम चलते हैं माहौल नबी अकरम सल्ला वसम का नूरानी माहौल मस्जिद नबी का माहौल है और देखिए कैसी नूरानी फ़ज़ाएँ हैं एक रोज़ आपके दामाद यानी आपकी बेटी सयदा फ़ातमत जहरा रजी अल्लाह अल्ल तह के शौर सैदना अली इबन अबी तालिब रजी अल्लाह तुम आते हैं दरियाफ़त करते हैं और माहौल सहाबा कराम भी बैठे हैं और लोग गफ्तु कर रहे हैं और आपसे एक सवाल करते हैं ज़रा देखिए अजीब व गरीब सवाल है वो ये है कि एक प्यारा शख्स एक प्यारे अपने बुजुर्ग से सवाल कर रहा है शफकत तो मोहब्बत से भरा सवाल कर रहा है जिसकी मिसाल हमें नहीं मिलती आइए आइजा चश्मे तसुर में मस्जिद के सहन में चलते हैं और शह कराम के साथ नबी अकरम बैठे हैं नबी अक्रम से अली रजा तो एक ऐसा सवाल कर देते हैं कि देखिए है। फरमाया उन्होंने रमतमी से कि यार रसूला सब या बता ये बताइए कि आप ये बताइए कि आप मुझसे ज़्यादा मोहब्बत मुझ करते हैं कि फातिमा आपको ज़्यादा महबूब है अब आप देखिए कि इसका ओसमानी साहब इस मौके पर क्या जवाब होना चाहिए आप सल्ला उसमें जो जवाब दिया इसमें सारी चीज़ें पनाह हैं आप इसको ज़रा गौर से सुनिए और देखिए फरमाया तुमसे ज़्यादा मुझे मोहब्बत महबूब फ़ातिमा है तुमसे ज़्यादा मुझे महबूब फ़ातिमा है और फातिमा से ज़्यादा तुम मुझे अजीज हो अब जरा आप अंदाज़ा लगाइए आप सल्लल्लाहु अलैहि असमिन की हिकमत से भरे कलाम और शफ़क़त मोहब्बत का इस नाजुक और महत्म रिश्ते का एक और निशान राह मिसाल देखिए आइए एक बार अली रजी अल्लाह तुम और सैदातमत जहरा के दरमियान नाराज़गी खफकी हो गई और बड़ी ज़ोरदार हो गई मामूली नहीं वो भी इंसान थे इंसानी मुआरे में रहते थे उनके भी रगों में खून दौड़ता था, था हमें तरह उनके भी मसायल मुश्किल थीं उनकी दो और ज़्यादा थी चूँकि दीन की दावत व तबलीग और एक आमत दीन की जद्दोजोद में लगे रहते थे कि दुनिया कमाने की फुर्सत ही नहीं थी तो वह तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा मसाइल थे वातमत व जहर और रजिया तल्लु एक मिसाल आपने पढ़ी होगी मैं उस तरफ नहीं जा रहा मैं सिर्फ़ अपने मौजू के तहत आप खदमत में एक बात पेश कर रहा हूँ नाराज़गी हो गई हो जाती है इंसानों में हो जाती है और फातमत जहरा रजिया तो इस कदर नाराज़ हुई किली रजियाल्ल तु से उनकी बड़ी अच्छी गुफ्तू हुई और ऐसे नाराज़ हो के गुस्से में वो नबी अक्रम सल्ला पास आ गई और दुखड़ा रो रही हैं शिकायत कर रही हैं और ये बड़ाई करें और रोसी चली जा रही हैं अफजारोकदा रो रही हैं और बयान कर रही हैं नबी अक्रम सल्ला देख के आपको बेहद सदमा हुआ आप अफसरदा हुए आप हाँ दीदा हो गए और जितना वो बयान करे रहे उतना भी रोजादा रो रही हैं आप सरा सुन रहे हैं सुन रहे हैं सुन रहे हैं लेकिन आप जरा देखिए गौर से इन जज्बात इन मुतासर होने के बाद इतना दुख अब अली रजी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई कलमा अदा नहीं किया जबान से अच्छा अली रजी अल्लाह तुम भी बड़े घबराए और बड़े परेशान के फातमा मोहम्मद के पास पहुंच गई हैं अब क्या होगा तो वो भी शर्मिंदा होके छुप के पीछे से आ गए और छुप के खड़े हो गए कि अब देखिए क्या होता है और वो सुन रहे हैं नबी अक्रम सल्ह वसलम उन्हें तसली दे रहे हैं तशफ़ी दे रहे हैं फातिमा बेटी देख मैंने तुम्हारा अग देने निका क्रैश के बेहतरीन इंसान से किया बेहतरीन नौजवान से किया फ़ातिमा देख ये सलाम लाने में सबसे पहला नौजवान तो फातमा इसकी ये खूबी फातिमा ये उसमें थी खातमा उसकी ये अच्छी है, अच्छा ही है खातमा इस वजह से मैंने निका किया फातमा फातमा देखो कौन ऐसे शौर और बीवी हैं जिनमें नाचाकी गुफ्तु नहीं होती नाराज़गी नहीं होती फातमा देखो ये शौर के लिए मुमकिन नहीं है कि हर बात हर मौके पर हर चीज़ वो अपनी बीवी के मशवरे से करे और बीवी के लिए भी ये मुमकिन नहीं है कि हर काम उस शहर के मशवरे से करे ये नाचाकी हो जाती है शोहर और बीवी में ऐसा वाक़ होता रहता है फ़ातिमा तुम फिक्र नहीं करो अपने दिल से ये बातों को निकाल दो मुमकिन ही नहीं किसी शोहर की सारी बातें वो बीवी को बताए और बीवी के मशवरे से करे फातिमा ये मुमकिन नहीं है अली बेहतरीन इंसान है अली ने जो भी कुछ किया होगा ज़रा तुम सोचो समझो अब ये सुनने के बाद फ़ातिमा तो जहरा रसी अल्लाह तु को यानी बड़ा असर हुआ और वो आ उनका गम हल्का हुआ और वो खामोश हुई और रसूल यकम की शफ़त मोहब्बत से उनका दिल नरम हुआ जब ये मंजर देखते हैं सुन रहे अली रज छुपे हुए हैं ये मंजर देख है, रहे हैं सुन वो भी रफ़ीकल थे उनका भी दिल भराया और वो सामने मन आ गए और आके रसोल्ला मुझसे गलती हो गई और आयि फातिमा फ़ातमा नाराज़ ना हो फातमा मैं आइंदा ऐसी बात नहीं करूँगी जिससे तुम्हारा दिल दुखे दिल आज़ारी व फातिमा ये छोड़ दो ये भूल जाओ फातिमा अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं और आप देखिए कि आप अलैहि वसम पूरे मंजरनामे को किस अंदाज़ से कैसे बदल दिया कैसे तब्दील कर दिया शफकत और मोहब्बत में और आप सल अल्लाह वसम नेली रज़िया तैयार के आने से पहले पता है कि एक जुमला कहा था ए फातिमा आ जाओ अपने घर जाओ वही तुम्हारा घर है वही तुम्हारा माहौल है वहीं तुमने रहना है फातिमा आज जरा देखिए हम और आप अपना जायज़ा लें अगर आपकी बेटी इस क़दर नाराज़ हो के आ जाए आपके घर में और बहुत ज़्यादा नाराज़ हो अब आपका क्या रवैया क्या रुझान होना चाहिए आज नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि हमें ये बता रही है कि बेटी वही तुम्हारा घर है तुम्हें वहीं जाना होगा तुम वहीं जाओ अब देखिए जब यह मंजर सामने आया और अली रजी अल्लाने कहा तो दोनों खुश हो गए और दोनों खुशी खुशी शिक्वा दूर हो गया और वो मोहब्बत और प्यार से आप आगे बढ़े और अपने घर चले गए बहुत खुश हुए नबी अकरम बहुत खुश हुए इस वाक़े में हमारे और आपके लिए क्या दर्श है क्या रहनुमाई है इस पर ज़रा गौर कीजिए देखिए इंसानी रिश्ते नाजुक रिश्ते होते हैं इन रिश्तों में रखने पड़ सकते हैं शैतान बसपों से अंदाजी डाल सकता है जब वो मुतबरक रू हैं जिनके ज़माने में कुरान नाजिल हुआ उनके साथ ये मामला है तो हमारे साथ तो और ज़्यादा मामला है लेकिन हमें ये बताया जा रहा है कि इन रखनों को दूर करना है इनको दूर करना है मुस्बत पहलू को सामने रखना है किसी की बुराई और कमी और कजी को नहीं निकालना है ये इस बात का ख्याल रखें कि दो अफराद का तनाज़ा है दो अफराद में गलत फहिम पैदा हुई है दो अफराद एक फ़र्द नहीं है आप ही की बेटी नहीं है आपकी बेटी जो आपसे कह रही है वही अकेली नहीं है शोहर भी मौजूद हैं तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी बेटी का कोई कसूर ना हो और आप अपनी बेटी के कसूर को साबित न होने दें और दामाद के ऊपर सारी चीज़ें डाल दें या दामात वाले बेटी पे डाल दें नहीं हमें ससुर के मकाम ससुर के एहतराम और फिर ससुर को इस रिश्ते की नज़ाकत का बहुत ख्याल रखना है देखिए बेटी का मामला उसका घर का मामला है उसके घर में मुदाखलत करना इस वक्त उसके वालिद या वालदा का हक नहीं बनता ये बेटी का घर है आप सल्लल्लाहु सल असन फ़रमाया तुम्हें वहीं जाना है ये तुम्हारा घर है अपना घर जाओ यानी आपने मुदाखलत नहीं की कि वहाँ जाके अगली बात ये आ रही है कि देखिए इस रख, इस रिश्ते में सबसे अहम बात वो ये है कि इंसान की खराबियों और खामियों और कोताही को सरफ़ नज़र उन पर करना और मुस्बत पहलू को निकालना तीसरी बात और तो अगली बात वो बहुत ज़रूरी है उसको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए और वो वह अदर गुजर सुलह और, और सफ़ाई इन घरों में इन रिश्तों में बहुत ज़रूरी है इंसानी माशरे में अफो और दरगुजर रहम शफ़त ये इसकी ग्रीस इसका तेल बहुत ज़रूरी है जब ये नहीं होगा तो रिश्ते ये चरख जाएंगे टूट जाएंगे जिस हड्डी के जोड़ में उसका तेल कुदरती तौर तो पर खुश्क हो जाता है वो हड्डी दर्द करने लगती है घुटनों में दर्द इसलिए हो जाया करता है जिसम की हड्डियों में ऑयल या ग्रीस ना हो और कोलेस्ट्रॉल की मिन मार न बाकी रहे तो रहकर फट जाया करती हैं मशीनरी बग़ैर ऑयल को ग्रीसिंग के काम नहीं करती वो चल नहीं सकती बिल्कुल इसी तरह से इंसानी रिश्ते बग़ैर अफवाह दरगुजर के चल ही नहीं सकते बिलखसूस सुसर और सास के मामले में इनसे से इतहा इन दर्जे की मोहब्बत की जाए सुसर को चाहिए कि वो अपने दामाद से और लॉर दूसरे रिश्तेदारों से और उनके वालदे से बिल्कुल ऐसी मोहब्बत ऐसी शफवत करें जैसे वो अपने वालद अपने भाई अपने बेटों से करते हैं ये रसूल तलीमत और आपकी सीरत का ये पैगाम है आप सबके लिए हमारे लिए सुबह रबिक रब्ज़त मईसिकून वसलामसली वह नाज्रन ये था आज का सवाल और उसका तशफ़ी बख्श जो आपके हजूर सल्ला वम ने बहसीत खुसर और फ़ादर के किस तरह से यानी आपने जो रोल मॉडल हमारे सामने जो पेश किया है यकीन ये रहती दुनिया तक के लिए हम सब के लिए तमाम इंसानों के लिए एक मश राह और एक राहनुमाई है हमारे लिए और हम नाजीन से ख्वाहिश करते हैं कि आपके जहन में अगर कुछ वानात हों तो ज़रूर आप हमें ई मेल करें इन शी हम आने वाले प्रोग्राम में प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे नाजी यानी इन वाक़ से हमें ये सबक मिलता है कि हम अपने ससरे की भी इज़्ज़त करें ससरे दरअसल हमारे बाप की तरह है तो यानी लड़की को भी चाहिए कि भरपूर एहतराम करे कि जिस तरह से वो अपने बाप का बाप का एहतराम करती है तो उससे सुस्से का भी एहतराम करे और फिर ताकि एक अच्छा माहौल अपने बन सके नाज़िन ये था इसका सवाल और उसका तशफी बख्श जवाब इसी के साथ इसी के साथ मैं अब्दुल मतीन उस्मानी को इजाज़त दीजिए और साथ में मौला हबीबरहन को भी इजाज़त दीजिए इनशाला फिर हाजिर खदमत होंगे एक नए सवाल के साथ देखते रहिए अल इस्लाम ग्रोप डॉट टी वी अल्लाह